हम जॉइंट व्हील में बैठने के लिए आ गए कितने सालों बाद, मेरी ये तमन्ना पूरी हुई। चलो मैं तो यहाँ पे ही बैठी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब, होप करती हूँ बहुत ही अच्छी होगी और आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आपका ज़्यादा टाइम जाहिर ना करते हुए मैं बता दूं कि हम मेले में आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम जायंट व्हील पे जाने चढ़ने के लिए जा रहे थे। जैसे बहुत बड़ी लाइन थी तो शिवाय को इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी और हमारे साथ जो बाकी लाइन में थे वो बोलते, अरे दीदी इतना बच्चा, इतना छोटा बच्चा को आप लेके जा रहे हो, डरेगा नहीं, रोएगा नहीं? मैंने बोला वो नहीं डरेगा, वो तो आराम से इन्जॉय करेगा। और मुझे और रौनक को पूरा विश्वास था कि वो इन्जॉय करेगा और उसने बहुत ही इन्जॉय किया जॉइंट व्हील में हमारे साथ। और मैं काफ़ी सालों बाद जॉइंट व्हील में बैठी हूँ, हालांकि मेला भी मैंने काफ़ी साल बाद देखा है यहाँ पे राउरकेला का। सो इट वाज रियली एक्साइटिंग एंड फन। आई थिंक ये लास्ट डे ही था जिस दिन हम गए और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी, तो हमने जैसे भी टाइम निकाल के चार पांच मेले घूमे। तो ये सेकेंड मेला है, फर्स्ट मेला आपने देखा और ये सेकेंड मेला है। और ये देखिए जॉइंट व्हील, बस हमारी बारी थी। इसके बाद शिवाय को बस एक्साइटमेंट थी कब हम लोग बैठेंगे, कब हम लोग बैठेंगे। तो हमने बहुत अच्छे से मेला घूमा और मेले से आगे बहुत सारे स्टॉल्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी सारे स्टॉल्स है। अब हमारी बारी आ गई थी जाने की। कैसा लग रहा है शिवाय? अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, क्या हुआ? डर लग रहा है ना? रौनक को डर लग रहा है। सो गाइज़, झूले से उतरने के बाद रौनक ने आइसक्रीम खाई, मुझे तो वो आइसक्रीम उतनी पसंद नहीं है। उसके बाद हम आए ये गन शूट वाली गेम खेलने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद है बचपन से। मैं भी जब भी मेले में जाती थी गन शूट गेम खेलती थी, और यहाँ पे चेन्नई में बीच में भी ये होता है तो हम खेलते हैं। अब शिवाय को भी बहुत पसंद है तो शिवाय भी वो गन शूट वाला गेम खेल रहा है, उसको भी बहुत शौक है। सो बस हम सब ने ये गन शूट वाली गेम खेली। Thank you.
सो गाइस, गन शूटिंग के बाद जो मैंने आपको व्यू दिखाया सारे स्टॉल्स का, और उसके बाद हम आ गए गन्ना जूस पीने। मुझे और हम लोग को गन्ना जूस बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे और शिवाय को तो बहुत पसंद है। सो हम लोग जहाँ भी जाते हैं गन्ना जूस दिखने से हम लोग छोड़ते नहीं है। सो मैंने और शिवाय ने, हमने तीनों ने पिया, गन्ना जूस पिया और फ्रेश जूस उसने निकाल के दिया। सो बहुत अच्छा था। तो बस हमने गन्ना जूस पिया, उसके बाद आगे का भी आपको दिखाते हैं। बस हो गया, अब चलो क्या लेना है।
गाइस सेक्टर 2 के मेले के बाद हम निकल गए दूसरे मेले की ओर। आई थिंक हम सेक्टर 4 जा रहे थे या सेक्टर 7 जा रहे थे, लेकिन इतना उस दिन विसर्जन भी था तो बहुत भीड़ थी। लोग एक साइड का वन वे कर दिया गया था, मतलब एक ही साइड से और आना जाना आप देख सकते हैं, और लोग रास्ते पर बैठे हुए थे मूर्ति का विसर्जन देखने के लिए। इस साइड में दूसरे अपोजिट साइड वाला जो रोड है ये देखिए पूरा ब्लॉक किया गया है, वहाँ से व्हीकल्स अलाउ नहीं है, खाली वॉकिंग करने वाले और मतलब गाड़ी वाड़ी जो चलानी है व्हीकल्स वाले वो सब इस साइड थे। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था विसर्जन के लिए। और ये मेले में भी मतलब ये मेले में उतनी भीड़ नहीं थी जो हम सेकंड मेले में मतलब अभी जो मेले में जा रहे हैं। तो हम बस ऐसे ही, वो पंडाल बहुत सुंदर था, हम लोग पंडाल देख के फिर रिटर्न चले गए क्योंकि शिवाय भी सो गया था इस टाइम पे, उसको नींद आ गई थी। सो गाइज ये वाला भी वन ऑफ द बेस्ट पंडाल था। तो हम वहाँ पे आए थे और यहाँ पे बना हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा है अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, इसलिए हम देखने के लिए आए थे। देखिए शिवाय सो गया था, मैंने उसको पकड़ के रखा था क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया था, वो फुल डे सोया नहीं था। तो बस इसके बाद आई थिंक हम निकल गए थे, हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया था। हाँ ये वाला हम आए सेक्टर 2 की वो इस्पात मार्केट के पास, यहाँ पे खाओ गली टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चटर पटर करने के लिए आए थे। बस हमने थोड़ा बहुत खाया फिर हम चले गए घर की ओर। यहाँ पे सिर्फ ये खाली क्या बोलते हैं खाओ बाजार ही है, ये खाली स्ट्रीट जो है वो फूड की स्ट्रीट है।